फले दोस्तों, ये है वीवो का एक और नया 5G फोन, वीवो V30e 5G। और वीवो के 20 सीरीज का एक फोन आया था इससे पहले, वीवो V30 5G। जो फोन था ना, एक प्रीमियम लुक के साथ में आया था, जो देखने में काफी अच्छा डिजाइन दिया था बैक पैनल में। पर ये जो फोन आ रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वीवो V30 का सक्सेसर लग रहा है, क्योंकि V30e 5G आया है। तो इसमें जो फीचर्स है ना, मुझे कुछ फीचर्स मिलते जुलते लग रहे हैं, पर काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो उस स्मार्टफोन से इसमें काफी अलग देंगे। तो क्या कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ में आया है वीवो V30e 5G, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इंटरनल लॉन्च क्या होने वाला है ये भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में वीडियो के, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले हम भाई इस फोन के ना बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में पूरा फुल डिटेल्स आपको देते हैं। ये जो फोन है ना, आपको दो कलर में देखने को मिलेगा, एक रेड कलर रहेगा और एक व्हाइट कलर रहेगा। तो यहाँ पर रेड कलर वाला जो फोन है ना, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। और अगर डिजाइन की बात किया जाए ना, तो यहाँ पर आपको बैक पैनल राउंडिंग कैमरा सेटअप के साथ साथ में एक कर्व पैनल और कर्व डिस्प्ले भी दिया गया है, जो देखने में काफी प्रीमियम लगता है। और एक साइड में ना आपको एक अलग से डिजाइन देखने को मिलेगा, जो राइट साइड में है बैक पैनल देखने से, जो मुझे काफी अच्छा लगता है। पर इसके बैक पैनल में जो हल्के हल्के बूंदे दिखाई देते हैं ना, व्हाइट कलर के चमकते हैं, इस वजह से ना ये फोन काफी ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। तो आपको इस फोन का डिजाइन कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताना। अगर भाई डिस्प्ले के बारे में बात किया जाना, तो 6.78 इंच का एक बड़ा सा 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले दिया गया और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पर रन करता है, और 1800 निट्स ब्राइटनेस दिया गया, जो काफी अच्छा दिया गया, यानी कि आउटडोर में आसानी से यूज कर पाओगे, कोई भी परेशानी आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आगे देखा जाए परफॉर्मेंस को, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का प्रोसेसर दिया गया, जो भाई काफी अच्छा आपको अंतोतु स्कोर निकाल के देता, यानी कि भाई 5.5 लाख से 6 लाख के आसपास में अंतोतु स्कोर ये वाला प्रोसेसर निकाल के देता। तो गेमिंग एक्सपीरियंस भी मेरे हिसाब से काफी अच्छा इसमें देखने को मिलेगा। अगर स्टोरेज की बात रही, तो 8GB 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, जो 8GB वर्चुअल रैम भी इसमें देखने को मिल रहा है, जो काफी अच्छा है। आजकल ये सारी स्टोरेज भी देखने को मिले, और LPDDR4X रैम के साथ में देखने को मिलेगा, और 2.2 का आपको मिलेगा UFS का सपोर्ट, जो काफी अच्छा है, फाइल ट्रांसफर करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरा के बारे में। तो आपको डुअल कैमरा सेटअप बैक पैनल में मिलेगा, जो इसका मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, एक कैमरा 8 मेगापिक्सल का, और इसमें आपको सोनी IMX882 का आपको मिलेगा सेंसर, जो OIS का सपोर्ट भी देखने को मिला, जिससे वीडियो रिकॉर्डिंग फोटो कैप्चर आपको काफी नेक्स्ट लेवल का दिखाई देगा। 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड मिलेगा। सेल्फी कैमरा की अगर बात किया जाए ना, तो इसमें आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का कैमरा, साथ में 1080p 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड। वैसे तो कैमरा हमेशा से वीवो का काफी अच्छा रहा है, तो इस वाले फोन में भी कैमरा आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भाई IP64 का रेटिंग भी देखने को मिला, जो मेरे हिसाब से ना आप आसानी से कहीं पर भी हल्के फुल्के बारिश में इसे यूज कर पाओगे, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और एंड्रॉइड 14 के साथ में आया है। और देखा जाए ना इसके बैटरी बैकअप और चार्जर को ना, तो यहाँ पर 5500 mAh के एक बिग बैटरी के साथ में मिल रहा है 45 वाट का फास्ट चार्जर, जो मेरे हिसाब से ना लगभग आधे घंटे में पूरा फुल चार्जिंग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई 5500 mAh बैटरी है, तो थोड़ा और भी समय लग सकता है। तो भाई आपको इसका डिटेल्स कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं कि इस वाले फोन को हमें गेमिंग बेस पर परचेस करना चाहिए या फिर कैमरा बेस पर परचेस करना चाहिए, या फिर भाई गेमिंग के लिए और किसी दूसरे ब्रांड को परचेस कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर आपको एक गेमिंग करना है, जैसे आप एक गेमर हो, जैसे हल्का फुल्का ज्यादा आप गेमिंग के शौकीन हो ना, तो मेरे हिसाब से आपके लिए IQ G9 या फिर जो आपका है Nothing Phone 2A, ये आपके लिए बेटर चॉइस रहेगा, क्योंकि इस प्राइस में काफी ज्यादा स्मार्टफोन मार्केट में आए हुए हैं, जो काफी कम प्राइस में अच्छे प्रोसेसर के साथ में। तो इस वाले फोन के साथ में आप नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि जो प्रोसेसर है थोड़ा कम दिया गया, इससे अच्छा प्रोसेसर लग सकता था, MediaTek 7200 का भी लग सकता था, या फिर Snapdragon 7 Gen 3 का भी लग सकता था, पर नहीं दिया गया, ये भाई कंपनी वालों का प्रॉब्लम। अगर यहाँ पर अब बात करते हैं कि कैमरा क्वालिटी में कैसा रहेगा, तो अभी के समय में अगर देखा जाए, तो कैमरा क्वालिटी अगर इस बजट में, जैसे कि 20 से 25 हजार 30 हजार के बजट में जितने भी कैमरा क्वालिटी हो ना, वो वीवो के काफी अच्छे होते हैं। तो इस बजट में आपको कैमरा वाला फोन चाहिए, तो आपके लिए वीवो V30e 5G काफी बेटर चॉइस रहेगा। तो आप अपने हिसाब से कोई भी स्मार्टफोन परचेस कर सकते हो, जैसे कि, पर मैं आपको बता दूं, गेमिंग के लिए आप इस फोन के साथ मत जाना, और कैमरा क्वालिटी वाला फोन चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हो। तो ये 2 मई को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, और इसका प्राइस 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में रहेगा, इससे ऊपर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो आपको ये फोन कैसा लगा कमेंट में एक बार जरूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय।